सो वेलकम टू द वीडियो। देखो मुझे पता है कि आप सभी लोग वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जनरली नीट के थ्रू एडमिशन होता है, बट नीट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तो स्टेट की जो एग्ज़ाम्स होती है, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में होता है MP PVFT, वैसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको बता दूँ कि बेसिकली जो सिलेबस होता है स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का वो सिमिलर होता है नीट के थ्रू, मतलब जो नीट का जो सिलेबस होता है उसी पर बेस्ड ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपने नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज जो नीट का पेपर होता है उससे थोड़ा कम लेवल का आता है। स्टेट वेटनरी का जो पेपर होता है वो काफ़ी कम लेवल का आता है। स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आर ईजियर देन नीट, आप बोल सकते हैं ये, और जो उसका कट ऑफ जाता है वो भी काफ़ी कम जाता है एज़ कम्पेयर टू नीट। तो आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली आप नीट के थ्रू भी जा सकते हैं और आप स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आप अलग से इसके लिए बुक्स लेना चाहिए क्या, तो मैं कहूँगा आपको अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वेटनरी के लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है वेटनरी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, बिकॉज आपको बेसिकली जो भी आपने नीट के लिए जो बुक्स ली होगी वही आपके काम आ जाएगी। आपको अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने वेटनरी की तैयारी करने के लिए अलग से बुक लेना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देख सकते हैं। जो भी आपके स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए आपको उसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर उसके प्रीवियस ईयर पेपर डले रहते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है PVFT के ऊपर, जो भी मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर और उसके कट ऑफ मैंने डिस्कस करे हुए हैं, तो वो आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर पर एक बार बिल्कुल विचार करें और उसको अच्छे से देखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार स्टडी करना है, दूसरा जो आपने नीट में जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है बिकॉज दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बायोलॉजी पे आपको खास करके अच्छा खासा ध्यान देना है बिकॉज बायोलॉजी 50% आता है, 50% ऑफ पेपर विल बी ऑफ बायोलॉजी, तो आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मिक्स्ड आता है, काफ़ी बार जो फिजिक्स है उसका लेवल काफ़ी हाई आ जाता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर, आपको सारे जो फॉर्मूलाज है उसको मगअप करके जाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना है खुद को। सो आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तकलीफ या फिर कोई भी परेशानी होती है तो। थैंक यू सो मच।